डीएम प्लांट मिक्स बेड में कौन कौन सी रेजिन होती है, यह हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे डीएम प्लांट मिक्स बेड में कैटायन और एनायन रेजिन होती है। तो फ्रेंड जो मिक्स बेड होता है डीएम प्लांट का, उसके अंदर दोनों भी रेजिन होती है। जो हमारा कैटायन बेड होता है वो ही रेजिन होती है, और जो एनायन बेड होता है वो भी रेजिन होती है। ये दोनों रेजिन क्या करती है, वाटर को न्यूट्रलाइज बनाती है। यानी कि कैटायन यानी कि एसिडिक फॉर्म में होता है, और एनायन जो होता है वो अल्कलिन फॉर्म में होता है। दोनों को हम एक जगह अगर मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रल बन जाता है। इसलिए हम कैटायन और एनायन दोनों ही रेजिन मिक्स बेड में यूज करते हैं। और कैटायन से जो भी मिनरल छूट करके आए, यानी कि वहाँ से अगर वो एक्सचेंज नहीं हुए हैं तो यहाँ पे मिक्स बेड में आकर के वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिक्स बेड में अगर आपको एग्जामिनर पूछते हैं तो मिक्स बेड में कौन कौन सी रेजिन होती है, तो आपको बता देना है कैटायन और एनायन रेजिन होती है। हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक नॉलेज को जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड आज हम लेकर के आए हैं बॉयलर प्रश्नोत्तर पार्ट 15, यानी कि 15 नंबर वाला हम वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज का जो वीडियो है फ्रेंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और हम जो है इस वीडियो में 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं, ओनली सिर्फ 5, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 5 5 का क्वेश्चन का हम सीरीज बनाने वाले हैं। जो 15 15 क्वेश्चन ले रहे थे वो वीडियो बहुत ही लंबे हो रहे हैं फ्रेंड। हम छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में हम मैक्सिमम कैसे हमको नॉलेज गेन करना आता है ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं, तो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। तो फ्रेंड हमने बॉयलर प्रश्न उत्तर के ऊपर ये जो वीडियो बनाए हैं इसका प्लेलिस्ट में सब आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। पार्ट नंबर 1 से लेकर के 15 तक आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। बॉयलर क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो एग्जाम के अंदर कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो मॉडल हो या फिर क्वेश्चन आंसर हो, इंटरव्यू कैसे लेते हैं, सब ये बॉयलर प्रश्नोत्तर पार्ट 1 से लेके 15 तक आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए, सब मिल जाएंगे। होप फ्रेंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए और लाइक भी करिए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। स्टीम ड्रम इंटरनल फिटिंग क्या क्या होती है? स्टीम ड्रम के अंदर इंटरनल फिटिंग होती है। जो सुपरहीटेड बॉयलर होता है उसी को इंटरनल फिटिंग होती है, जो सैचुरेटेड बॉयलर है उसको इंटरनल फिटिंग नहीं होती है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। ड्रम के अंदर जो भी इंटरनल फिटिंग होती है वो क्यों होती है, इसका कारण क्या है, उससे हमें बेनिफिट क्या होता है, अगर आपको एग्जामिनर पूछते हैं तो आपको इसका आंसर कैसा देना है हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनल फीड वाटर लाइन होती है स्टीम ड्रम के अंदर इंटरनल फिटिंग में। केमिकल डोजिंग लाइन होती है स्टीम ड्रम के अंदर इंटरनल फिटिंग में। स्टीम साइक्लोन भी होता है, स्टीम स्क्रबर होता है, एंटी प्राइमिंग पाइप होता है, बैफल और सीबीडी लाइन होती है। तो यहाँ पे ये क्या काम करता है, इंटरनल फीड वाटर पाइप, यानी कि हम जो बॉयलर के अंदर वाटर भेजते हैं इकोनोमाइजर से होकर के, तो वहाँ पे स्टीम ड्रम के अंदर हमारा फीड वाटर का इंटरनल फीड वाटर लाइन होती है। उस लाइन को नोजल होते हैं और नोजल से वाटर डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टीम ड्रम के अंदर। और उसके बाद केमिकल डोजिंग, बॉयलर के अंदर दो टाइप की डोजिंग होती है, एक एलपी डोजिंग होती है और एक एचपी डोजिंग होती है। एलपी यानी कि हम क्या करते हैं, डीरेटर टैंक या फिर फीड वाटर टैंक के अंदर ये डोज करते हैं। एलपी यानी कि लो प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, कम प्रेशर होता है। एचपी यानी कि हाई प्रेशर, स्टीम ड्रम के अंदर हाई प्रेशर होता है इसलिए हम उसको एचपी डोजिंग बोलते हैं। तो वो केमिकल डोजिंग जो होता है एचपी, तो उसका लाइन यहाँ पे स्टीम ड्रम के अंदर इंटरनल वहाँ पे होती है स्टीम ड्रम के अंदर। तो यहाँ पे केमिकल डोजिंग भी होती है। और स्टीम साइक्लोन, अभी स्टीम साइक्लोन जो होता है फ्रेंड ये क्या काम करता है, हमारे ड्रम के अंदर स्टीम स्पेस होता है और वाटर स्पेस होता है। बॉयलर के अंदर जो भी स्टीम जनरेशन होता है वो आकर के स्टीम ड्रम के अंदर स्टोर होती है, लेकिन फ्रेंड वो 100% स्टीम वहाँ पे नहीं बनती है, उसके अंदर वाटर भी कुछ अमाउंट में होता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अगर हम स्टीम ड्रम के अंदर डायरेक्टली ये
हॉट वाला स्टीम यहाँ पे हम छोड़ देते हैं तो वहाँ पे हैमरिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए हम स्टीम ड्रम के अंदर क्या करते हैं, साइक्लोन लगाते हैं। साइक्लोन का काम क्या होता है, स्टीम को स्टीम स्पेस में ले जा करके छोड़ना और वाटर को वाटर स्पेस में ले जा करके छोड़ना। तो यहाँ पे साइक्लोन का मोस्टली यह काम है कि वाटर को वाटर स्पेस में छोड़ देना है, स्टीम को स्टीम स्पेस में छोड़ देना है। उसके वजह से क्या होता है, हमारे स्टीम ड्रम के अंदर हैमरिंग नहीं होता है, टेम्परेचर डिफरेंट वहाँ पे होने के वजह से वहाँ पे स्टीम के अंदर हम वाटर छोड़ते हैं तो हैमरिंग हो सकती है, और वाटर के अंदर स्टीम छोड़ते हैं तो भी हैमरिंग हो सकती है। इसलिए वहाँ पे वो हैमरिंग बचाने के लिए हम क्या करते हैं, साइक्लोन का यूज करते हैं। अभी स्टीम स्क्रबर क्या होता है फ्रेंड, जो भी सुपर हीटेड बॉयलर होता है और स्टीम ड्रम के बाद जो हमारा स्टीम होता है वो सुपर हीटर में जाता है, तो सुपर हीटर में जाने से पहले स्टीम ड्रम के अंदर टॉप साइड में यानी कि अंदर से ही टॉप साइड में स्टीम स्क्रबर लगाते हैं। स्टीम स्क्रबर लगाने से फायदा यह होता है कि स्टीम के अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वो क्या करता है, यहाँ पे स्क्रबर आगे नहीं जाने देता है और यहाँ पे स्केलिंग वगैरह जो कि भी फोमिंग है होता है बॉयलर के अंदर, तो वो आगे नहीं जाने देता है सुपर हीटर के अंदर, वो स्क्रबर उसको रोक के रखता है। और ये जो एंटी प्राइमिंग पाइप है ये इस स्क्रबर के नीचे से लगा हुआ होता है, यू टाइप का ये पाइप होता है, इसके अंदर जो भी स्क्रबर के अंदर वाटर वहां पे कलेक्ट हुआ है वो वाटर एंटी प्राइमिंग पाइप से आकर के नीचे वाटर स्पेस में छोड़ देता है। तो वहां पे भी हमारा जो सुपर हीटर के अंदर अगर ये ड्रॉपलेट गए स्टीम के थ्रू तो वहां पे स्टारवेशन हो सकता है, यानी कि ट्यूब वहां पे पंक्चर हो सकती है, बेंड हो सकती है सुपर हीटर की। इसके वजह से ये स्टीम स्क्रबर और एंटी प्राइमिंग पाइप स्टीम ड्रम के अंदर लगाया जाता है। और बैफल, तो फ्रेंड बैफल ये क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा स्टीम ड्रम है और ये मड ड्रम है, और यहाँ पे ड्रम ट्यूब होती है, एक साइड होती है बैंक जोन और दूसरी साइड होती है कन्वेक्शन जोन। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, एक साइड को यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैफल लगा देते हैं स्टीम ड्रम के अंदर। जो भी स्टीम ड्रम के अंदर वाटर आता है वो वन साइड से जाता है यानी कि बैंक जोन ट्यूब से जाता है मड ड्रम के अंदर, और मड ड्रम से फिर से कन्वेक्शन जोन से इसके अंदर आता है। तो ये बैफल हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें वन वे यहाँ पे वाटर सर्कुलेशन करना है, दोनों साइड से एट ए टाइम वाटर सर्कुलेशन नहीं होता है और हम नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंट होता है, इसलिए हम एट ए टाइम दोनों साइड से वाटर सर्कुलेशन नहीं करते हैं। तो ये वाटर सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे बैफल लगाया जाता है, इसका बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं है। और सीबीडी, ये सीबीडी क्या है आपको पता है, सीबीडी सुपर हीटेड बॉयलर को होता है, हाई प्रेशर बॉयलर को होता है, ये सीबीडी ब्लोडाउन होता है, सीबीडी यानी कि कंटिन्यूस ब्लोडाउन वाल होता है, और ये सीबीडी लाइन स्टीम ड्रम के अंदर होती है। और ये सीबीडी लाइन क्या काम करती है, अगर हमारे बॉयलर का वाटर पैरामीटर जैसे कि पीएच, फॉस्फेट, सिलिका, कंडक्टिविटी, हार्डनेस अगर ये हायर साइड में चले जाते हैं, हमारे रेंज से बाहर चले जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम सीबीडी वाल को ओपन करते हैं यानी कि ब्लोडाउन देते हैं। इसको कंटिन्यूसली हम ओपन रख सकते हैं जब तक हमारा पैरामीटर कंट्रोल में ना आ जाए तब तक। तो ये सीबीडी लाइन जो है यहाँ पे हम इंटरनल फिटिंग में बिठाते हैं और स्टीम ड्रम के अंदर ये सीबीडी लाइन होती है। इस लाइन का जो लोकेशन है फ्रेंड सीबीडी लाइन का, ये वाटर स्पेस में होता है और वाटर के अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज बढ़ जाती है वो इम्प्यूरिटीज कम करने के लिए हम ये लाइन इंटरनल में बिठाते हैं। तो इस तरह की इंटरनल फिटिंग होती है फ्रेंड, आपको पता चला होगा कि इंटरनल फिटिंग का फायदा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बॉयलर के स्टैक फ्लू गैस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं और ये बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर। तो आपको आंसर कैसा देना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर सबसे पहले हम देख लेंगे, बॉयलर के स्टैक फ्लू गैस का टेम्परेचर 120 से लेके 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो फ्रेंड आपको ये फिगर जो बता रहा हूँ मैं 120 और 140 ये कम से कम है और ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इतना होना चाहिए, कम से कम इसके नीचे नहीं आना चाहिए और इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है, नीचे क्यों नहीं आना चाहिए और ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए, अगर नीचे आ जाता है टेम्परेचर तो क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड हमारे बॉयलर के अंदर हम जो भी फ्यूल यूज करते हैं उस फ्यूल के अंदर सल्फर कंटेंट होता है, अगर सल्फर कंटेंट यहाँ पे अगर 120 के नीचे अगर हम टेम्परेचर लाते हैं तो वो सल्फर कंटेंट क्या करता है, रिएक्ट करने लग जाता है। हमारे आईडी फैन हो गया, डक्ट हो गया, स्टैक हमारा अगर एमएस का है यानी कि
मेटल का है तो वहां पे स्टॉक को भी यहाँ पे करोड्यू कर देता है। तो ये सल्फर जो होता है फ्रेंड, ये गैस फॉर्म से ऐसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अगर 120 टेम्परेचर के नीचे आ गया टेम्परेचर हमारा फ्लू गैस। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि H2SO4 यहाँ पे बन जाता है। तो H2SO4 क्या है फ्रेंड, ये एसिड है, एसिड बन जाता है, एसिड करोड्यू हमारे डक्ट वगैरह को यहाँ पे वो पूरा करोजन कर देता है और हमारा डक्ट जो होता है, प्लेट जो होती है उसका लाइफ कम हो जाता है, आईडी फैन का जो भी एमपी लेयर होता है उसका भी लाइफ कम हो जाता है। और 140 के ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो सल्फर कंटेंट यहाँ पे है इसके अंदर, ये जो गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है वो 120 के नीचे होगा। तो यहाँ पे इसका ड्यू पॉइंट होता है स्टैक का 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए। सेफ्टी के लिए हम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा करके रखते हैं। तो एक्चुअल में मैंने आपको बताया ना कि सल्फर कंटेंट जो होता है ये गैस फॉर्म में होता है, तो अगर ये लिक्विड फॉर्म में इसको कन्वर्ट होना है तो 100 आ गया टेम्परेचर तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो सेफ्टी के लिए हम 20 डिग्री बढ़ा करके रखते हैं। तो यहाँ पे 140 मैक्सिमम टेम्परेचर, ये क्यों, क्योंकि फ्रेंड अगर ज़्यादा टेम्परेचर हम छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है हमारे प्लेट को या फिर हमारे जो भी एम्पलेयर है, आईडी फैन का डक्ट है, जो भी है मेटल का अगर हमारा स्टैक है, तो उसको कोई यहाँ पे 140 तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हम ज्यादा यहाँ पे फ्लू गैस का टेम्परेचर स्टैक से छोड़ देते हैं तो हमारा वहाँ पे हीट वेस्ट हो जाता है फ्रेंड, और वो कोई काम का नहीं है, हम क्लाइमेट में उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट हीट यानी कि हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी कम हो जाता है, हम वो हीट यूज नहीं कर सकते, तो हम ज्यादा यहाँ पे क्यों छोड़े। दूसरी बात यह है कि हमारा जो बॉयलर का डक्ट है फ्लू गैस का, वो डक्ट ओवर हीट होकर के मेल्ट होकर के नीचे गिर सकते हैं, इसलिए हम 140 के ऊपर टेम्परेचर जो है स्टैक का नहीं छोड़ते हैं। आपको समझ में आया होगा कि 120 टेम्परेचर क्यों रखते हैं और 140 टेम्परेचर स्टैक का क्यों रखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनोमाइजर के ट्यूब पंक्चर होने के कारण क्या हो सकता है। देखिए बहुत सारे जगह पे देखने को मिलता होगा आपको कि इकोनोमाइजर का ट्यूब पंक्चर हो जाता है, कॉइल पंक्चर हो जाता है, तो क्यों होता है, उसका मेन कारण क्या होता है। तो उसका कारण बहुत होता है फ्रेंड, मैंने मेनली दो तीन यहाँ पे कारण बताया है। इकोनोमाइजर के ट्यूब पंक्चर होने के कारण यहाँ पे बॉयलर स्टार्टअप और स्टॉप, फीड वाटर पंप ऑन ऑफ और वाटर क्वालिटी, तो ये मेन रीजन है फ्रेंड। जब हम बॉयलर स्टार्ट और स्टॉप करते हैं तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो भी हमारा फ्यूल होता है उसके अंदर सल्फर कंटेंट होता है, और वो सल्फर क्या करता है, अगर हम बॉयलर को अगर स्टॉप और स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है हाई लो होता है, और यहाँ पे आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस को सल्फर कंटेंट क्या करता है, यहाँ पे मटेरियल के साथ रिएक्शन करने लग जाता है। तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस इनिशियल स्टेज में हमारा होता है बॉयलर, जब हम स्टार्ट करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इकोनोमाइजर के अंदर जाता है और वो ट्यूब को करोजन करना चालू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। और जब हम बॉयलर स्टॉप करते हैं उस समय भी हमारा क्या होता है फ्रेंड, फ्लू गैस का टेम्परेचर डाउन होता आता है, और वहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बन जाता है और इकोनोमाइजर का ट्यूब जो है वहाँ पे करोजन वो स्टार्ट कर देता है। तो दूसरा, यहाँ पे फीड वाटर पंप ऑन ऑफ की वजह से क्या होता है फ्रेंड, अगर हमारा बॉयलर चालू है और ड्रम का लेवल फुलफिल्ड है, वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे उस समय क्या होता है फ्रेंड, हमारा पंप एक तो ऑन ऑफ हो जाता है या फिर कंट्रोल वाल्व होती है किसी किसी बॉयलर के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, इकोनोमाइजर के अंदर रनिंग बॉयलर में वाटर सर्कुलेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इकोनोमाइजर प्रेशराइज हो जाता है और वहां पे ट्यूब पंचर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो तीसरी बात यहाँ पे है फ्रेंड, वाटर क्वालिटी, अगर हमारा वाटर क्वालिटी आपको पता है एसिड फॉर्म में नहीं चाहिए, हमारा जो वाटर का पीएच है वो मेंटेन होना चाहिए, न्यूट्रलाइज होना चाहिए, कम से कम फीड वाटर का जो पीएच होता है फ्रेंड वो 8.5 से 9.5 तक होना चाहिए अच्छी क्वालिटी में। तो यहाँ पे हमारा जो इकोनोमाइजर का ट्यूब पंक्चर हो सकता है अगर हमारा वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो अंदर से वो रिएक्शन करना चालू कर देता है ट्यूब के अंदर से प्लेट को, वो करोजन इरोजन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड आपको मैं बता दूँ, ये H2SO4 से इरोजन होता है, करोजन होता है, पिटिंग होता है ऊपर से। तो यहाँ पे ये जो 3 महीने कारण बताया है ये मेन कारण है, इसके अलावा और बहुत सारे कारण हो
हो सकते हैं। तो फ्रेंड इकोनोमाइजर के ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉयलर के ब्रिक वर्क टूटने का कारण क्या हो सकता है। देखिए फर्नेस के अंदर या फिर हमारे बॉयलर के अंदर जब हम बैफल लगाते हैं वहाँ पे रिफ्रैक्टरी होती है, यानी कि हम हीट को आइसोलेट करते हैं, हीट को बाहर नहीं जाने देते, उसके लिए हम रिफ्रैक्टिव ब्रिक वर्क करते हैं। तो वहाँ पे वो जो ब्रिक वर्क होता है फ्रेम क्रैक हो जाता है। तो बॉयलर के अंदर जो भी ब्रिक वर्क होता है आपको पता होगा, तो इसका आंसर देख लेंगे। बॉयलर के ब्रिक वर्क टूटने का कारण थर्मल एक्सपांशन अच्छे से नहीं होना। देखिए फ्रेंड अगर हम ब्रिक वर्क नया बनाते हैं, बॉयलर का अगर शटडाउन है और उसके अंदर हम ब्रिक वर्क करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, ब्रिक वर्क करने के बाद क्वेरिंग करना चाहिए। क्वेरिंग क्या होता है फ्रेंड, धीरे 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 टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं उसका, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जा करके उसके ऊपर होल्ड रखते हैं। उसके बाद 1 घंटे के बाद 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले जा करके उसके ऊपर कुछ घंटे होल्ड रखते हैं, यानी कि रुकते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे 50 डिग्री 100 डिग्री से हम बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे 50 डिग्री 100 डिग्री से कम करके हम बॉयलर को स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। उसके बाद हम रिफ्रैक्टरी चेक करते हैं, उसकी क्यूरिंग होती है, इसी को हम क्यूरिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे प्रॉपर न होने के कारण हमारा जो ब्रिक वर्क होता है वो क्रैक हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, आप कोल्ड बॉयलर है आपका, अगर आपको स्टार्ट करना है तो बहुत ही धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है, एकदम से बॉयलर में प्रेशर नहीं बढ़ाना है। वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, प्रॉपर यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन नहीं होता है। हमारा बॉयलर जो होता है जब हीट होता है तो धीरे धीरे एक्सपेंड होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उसको वहाँ पे वो किधर भी धकल देता है, ट्यूब भी क्रैक हो सकती है वहाँ पे, और आपको बॉयलर पंचर भी हो सकता है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे जब भी बॉयलर स्टार्ट करना है तो बहुत ही स्लोली आप स्टार्ट करिए, और जब भी आपको बॉयलर स्टॉप करना है तो बहुत ही स्लोली आपको वहाँ पे ठंडा करना है बॉयलर के, यानी कि कूल डाउन करना है, फास्ट नहीं करना है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे हमको धीरे धीरे स्टॉप भी करना है और कूल डाउन करना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव टैंक का प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं कि डेरिवेटिव टैंक जो होता है उसका प्रेशर जो होता है स्टीम प्रेशर, अभी मोस्टली यहाँ पे कहीं कहीं पे हम क्या करते हैं 0.1 0.2 0.3 तक हमने देखा है, लेकिन कितना रख सकते हैं मैक्सिमम ये पता नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर में आता है डेरिवेटिव टैंक का प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 kg cm² तक हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 kg यानी कि 2.5 kg यहाँ पे प्रेशर है। तो ये प्रेशर क्यों रखते हैं फ्रेंड, मैं आपको इसका रीजन भी बता देता हूँ, और ये प्रेशर हमें मैक्सिमम कितना रखना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड आपको पता होगा हमारा वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो 100 होता है फ्रेंड। तो 100 होने के वजह से क्या होता है, 100 यानी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, डेरिवेटिव टैंक के अंदर से वाटर लेते हैं, फीड पंप के थ्रू हम बॉयलर के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस तक हमारा वाटर क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारा जो वाटर है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हम अगर वाटर का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव टैंक का प्रेशर बढ़ा दिया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। यानी कि क्या होता है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर प्रेशर में, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो 1 kg है, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तक वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी वाटर को अगर प्रेशराइज कर देते हैं, यानी कि उसको प्रेशर कर दे देते हैं, अंडर प्रेशर उसको रखते हैं और हीट देते हैं, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव टैंक का प्रेशर बढ़ा करके हम उसका टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, और फिर लिक्विड फॉर्म में वो होता है, और वो पंप के थ्रू हम बॉयलर के अंदर छोड़ देते हैं। तो अगर हमारे डेरिवेटिव टैंक के अंदर वेपर बन जाते हैं, फीड पंप क्या हो जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है, यानी कि वो वेपर लॉक हो जाता है, उसके अंदर वेपर चला जाता है, फिर फीड पंप डिस्चार्ज प्रेशर हमको नहीं देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव टैंक का प्रेशर बढ़ा देते हैं 2.5 kg तक मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप 1.5 kg भी रख सकते हो, 0.5 kg भी यहाँ पे आप डेरिवेटिव टैंक का प्रेशर रख सकते हो। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, ये टेम्परेचर क्यों बढ़ाते हैं, तो इसका फायदा क्या है। तो फ्रेंड सबसे पहले ये फायदा है, हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। अगर
ऑलरेडी टेम्परेचर हमें बढ़ के मिलता है वाटर का, तो बॉयलर के अंदर टाइम कम लगता है स्टीम जनरेशन होने में और फ्यूल भी हमें कम लगता है। दूसरी बात यह है फ्रेंड, डिएरेटेड टैंक के अंदर हम कुछ केमिकल डोजिंग करते हैं, यानी कि एलपी डोजिंग हम करते हैं। उसके अंदर ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है फ्रेंड केमिकल, वो क्या करता है फ्रेंड, हमारे वाटर के अंदर जो भी ऑक्सीजन होता है वो रिमूव करता है। तो उसका जो रिएक्शन होता है फ्रेंड उसके अंदर, उस रिएक्शन के लिए यहाँ पे 100 अबो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं कि 110 डिग्री सेल्सियस के अबो, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए होता है रिएक्शन के लिए। वो रिएक्शन के वजह से ही वहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो यहाँ पे इसलिए हमें ये 2.5 kg प्रेशर बढ़ाना पड़ता है अगर हम वो कैटेगरीज का केमिकल यूज करते हैं बॉयलर के अंदर। तो इस केमिकल का बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड, हाँ अगर हम बॉयलर के वाटर का अंदर का जो भी ऑक्सीजन है वो रिमूव कर देते तो बॉयलर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा ज़्यादा और वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि ट्यूब हमारा ट्यूब का जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हम ये रिएक्शन डायरेक्टली टैंक के अंदर करते हैं, इसलिए वो रिएक्शन करते हैं, इसलिए हमें ये टेम्परेचर बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। और तीसरा फायदा यह है फ्रेंड, हमारे फीड वाटर पंप को पॉजिटिव प्रेशर चाहिए होता है सक्शन को। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टर टैंक का प्रेशर बढ़ा देते हैं तो फीड वाटर पंप का जो सक्शन प्रेशर होता है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाता है। तो इसका बेनिफिट यह होता है फ्रेंड, डायरेक्टर टैंक का मैक्सिमम प्रेशर हम कितना रख सकते हैं, 2.5 kg तक। इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा रखते हैं तो वहाँ पे आपका फीड पंप जो है वो वेपर लॉक हो सकता है, इसलिए हम इससे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार आपको एग्जामिनर को आंसर देना है। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है आपके लिए है, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेंगे, स्टीम लाइन में यू बेंड क्यों होता है, यानी कि हमारा जो स्टीम लाइन होता है बॉयलर से लेकर के प्लांट तक, तो बहुत कुछ कंपनी में ज़्यादा लंबी लाइन होती है, कुछ कंपनी में बहुत नज़दीक होती है, लेकिन ज़्यादा लंबी लाइन जो होती है उसके अंदर फ्रेंड आपने देखा होगा कि वहाँ पे यू बेंड होता है। यू यानी कि जैसे कि ऐसी लाइन है और ऐसा बेंड होता है। तो ये बेंड क्यों होता है और इसके बेनिफिट क्या क्या है ये हमें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड आपको सिर्फ इसका रीजन बताना है कि ये क्यों होता है, एक वर्ड में आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल पे, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस भी करो ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली एक ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।